है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं गाइस? आई होप कि अच्छे होंगे। गाइस, हमें आजकल व्हाट्सएप या फेसबुक से चैट करना बहुत ही अच्छा लगता है, और इस चैट के दौरान हम यहाँ पे क्यूट क्यूट इमोजी का यूज कर देते हैं। गाइस, यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे इमोजी का यूज करते हैं जिसका सही मतलब पता नहीं होता है, बट उस इमोजी को हम यूज करते जाते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे पांच इमोजी के बारे में जिसका यूज तो आप करते हैं लेकिन उसका सही मतलब नहीं जानते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नई बार आए हैं तो प्लीज़ यार अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो सबसे पहला इमोजी है वो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। गाइस, इस इमोजी का उपयोग आपने चैट करते समय बहुत बार यूज किया होगा, बट गाइस शायद ही किसी ने इस इमोजी का सही जगह पे यूज किया होगा। गाइस, इस इमोजी का उपयोग बहुत बंदे ने किसी के डेथ होने पे भी कर देते हैं, बट गाइस इस इमोजी का नाम है वेजी फेस, और ये इमोजी का उपयोग जब आप पूरे दिन काम करके थक जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं तो इस इमोजी का उपयोग किया जाता है। गाइस, जैसे कि आप ऑफिस में पूरे दिन वर्क किए हैं और बहुत थक गए हैं तो इस इमोजी को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके बता सकते हैं कि आज मैं बहुत थक गया हूँ काम करते करते। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला इमोजी है वो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। इस इमोजी को बहुत बंदे ने अपने आप को दूसरे के सामने स्मार्ट दिखाने के लिए इस इमोजी का उपयोग कर देते हैं, लेकिन गाइस इस इमोजी का नेम जो है वो है नियर्ड फेस, मतलब कि बेवकूफ वाला चेहरा। गाइस, इस इमोजी का उपयोग जब आपको किसी को बेवकूफ बोलना हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला इमोजी है वो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। इस इमोजी का उपयोग बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट गाइस इस इमोजी का नेम है वो है फेस विथ रेसिड आईब्रो, मतलब कि इस इमोजी का उपयोग आप जब कोई आश्चर्यजनक बात हो या कोई भी अंधविश्वास वाली बात हो या संदेहजनक बात हो या अविश्वसनीय बात हो तब आप इस इमोजी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि जब आपको लगे कि दाल में कुछ काले हैं, मतलब कि कोई बात जो अगले व्यक्ति आपको बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं तो इस इमोजी का उपयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला इमोजी है वो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। गाइस, इस इमोजी का उपयोग बहुत बंदे अलग अलग तरीके से करते हैं, बट गाइस इस इमोजी का जो नाम है वो है एंग्री रेड फेस, मतलब कि इस इमोजी का उपयोग जब आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं या किसी बंदी से बात कर रहे हैं और बात करते करते आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसे अनाप शनाप बकना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, जैसे कि उसे गाली वगैरह देना चाह रहे हैं तो इस इमोजी का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, हमारा जो अगला इमोजी है वो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे। गाइस, इस इमोजी का उपयोग आप अलग अलग तरीके से किए होंगे, बट इस इमोजी का जो नाम है वो है जीपर माउथ फेस। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हैं और वो कोई ऐसी बात बताई और बोली कि आप इस बात को किसी और से ना बताएं, और आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो पूछ रहा है कि वो जो बात बोली है वो कौन सी बात बोली है ज़रा मुझे भी बताओ, और आप वो बात नहीं बताना चाहते हैं तो आप इस इमोजी को भेज सकते हैं। तो गाइस, इस इमोजी का उपयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी ने कसम दी होती है कि ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उस बात को आपको किसी को नहीं बताना है, आपकी मेरी कसम, और अगला बंदा आपसे पूछता है
कि वो क्या बोली है या क्या बोला है, तो आप ये इमोजी का यूज कर सकते हैं। तो अगला बंदा समझ जाएगा कि इसे कसम दिया गया है कि ये बात किसी को ना बताएं। तो कैसा लगा यार वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।